नमस्कार दोस्तों। तो आज फाइनली हमारा जो बीलेट का पहली क्लास चलने वाली है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी यानी जीके में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उसको हम एक बार डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपको लास्ट में जो है वो क्विज मिलेगा। क्विज आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखना है आपको कितना आता है। इसी के साथ साथ हम तार्किक योग्यता का जो आता है, इसके बाद मैथ का हम करेंगे। इसके बाद करेंट अफेयर्स चौथा टॉपिक होगा हमारा। ओवरऑल सभी को करने के बाद हमारा क्विज स्टार्ट होगा। क्विज में आपको अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ पहले हमारा जो रहेगा थ्योरी पार्ट रहेगा, इसके बाद हमारा क्विज स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद डिस्कशन करने के बाद एट द लास्ट में हम 5 साल के प्रीवियस ईयर को पेपर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट पहला है, पार्ट पहले में हम जीके के बारे में डिस्कशन करेंगे। जीके में देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारे पास बीलेट की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीलेट की जो हमारी प्रवेश परीक्षा की है 2021-22 की, तो हमारे पास ये बुक अवेलेबल हो चुकी है। तो इसी के माध्यम से हम प्रिपरेशन करेंगे। साथ ही साथ अगर आप नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में भी बगल पे हैं तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज का हमारा पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बुक्स का पहला जो सेशन हमारा है भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से पूछा गया है, तो इसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हल करने के बाद लास्ट में हम क्विज देंगे। आपको क्विज सॉल्व करना है। अगर आप क्विज क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके बाद एट द लास्ट में हम जो है 5 ईयर के पेपर को डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हमने अभी बताया। तो अगर आप उसमें कर जाते हैं तो बड़े आसानी के साथ, और इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बड़े ही आसान प्रश्नों के प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे वीडियो के जरिए। तो चलिए पहला स्टार्ट प्रश्न करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, जैसा कि आप सभी को पता है। आप लोगों को मेरे साथ में रिवाइज करना है, बोलना है। इसके बाद लास्ट में आपको यही इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है कि जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता था, उस काल को क्या कहा जाता था? तो जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन कहलाता है। तो मानव जीवन का जब लिखित वर्णन किया गया घटनाओं का, तो उसे इतिहास के नाम से जाना जाता है। आग का आविष्कार जो हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। इसी के साथ पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य जो आधार था वो शिकार करना था। आप सभी को पता चल रहा होगा, और ये प्रश्न आपको काफ़ी सरल भी लग रहे होंगे। हालांकि हम इजी लेवल से मॉडरेट, इसके बाद फिर हार्ड लेवल तक चलेंगे, तो आपको इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं करना कि ये तो बहुत हो जाएंगे। डेफिनेटली अगर आप कर लेते तो बड़ी अच्छी बात है, और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। तो देखते रहिए, अगला प्रश्न हमारा है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम कौन सा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीन नाम है उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखिए, जो पहिए का आविष्कार ये जो है पूछा गया है 2014 के पेपर में, सॉरी DU के पेपर में पूछा गया है 2014 में, और अभी मैं इसका पेपर जब सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मैं दिखा भी दूंगा कि पेपर जो है क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ में अगर मैं बोलता हूँ इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको वो अंडरलाइन करके वहाँ पर डेफिनेटली उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले? सुरकोटदा में मिले थे। तो जो मैं इम्पॉर्टेंट बोलूँगा वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मैं बार बार रिवाइज नहीं करूँगा, उसको आपको ध्यान से देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। साथ ही साथ हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर की किसके बने होते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घर जो होते थे वो ईंटों के बने होते थे। अगला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के जो लोग थे वो कपास की फसल में सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ये अभी आपको जानना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है बीएड में 1921 में की थी, ये अब आपको जानना है। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में की गई थी, ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है, देखना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, प्रश्न पत्र दिखाऊंगा, तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल, जो कि गुजरात में प्रेजेंट टाइम में उपस्थित है।
और सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा मैंने जो अभी बताया है। साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो मोहन जोदड़ो को नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहन जोदड़ो को कहा गया है नखलिस्तान। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो कालीबंगा में मिला है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में मिला है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हमारा प्राचीन जो प्रागैतिहासिक काल खत्म हुआ, इसी प्रकार से इसमें सिर्फ इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वही इसमें दिया गया है, तो आपको ध्यान देना है, नोट डाउन करते चलना है। अब यहाँ पे वैदिक संस्कृत से हमारे कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो आर्य शब्द का, जैसे इसमें 2018 में पेपर में पूछा गया था कि सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडों को उपनिषद से लिया गया, फिर कहीं और से लिया गया है, तो उस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे 2018 का पेपर। तो इस प्रकार से अगर मुझे जो पेपर के प्रश्न मुझे याद आते चलेंगे तो मैं आपको बताता भी चलूँगा 2018, 2019, 2017 में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। जहाँ जहाँ मुझे याद आएगा वहाँ पे आप बताता भी चलूँगा। तो अगला प्रश्न अगर देखें वैदिक संस्कृत से, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन मतलब बड़े लोग जिनके पास पैसा हुआ करता था। श्रेष्ठ या कुलीन क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये भी पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं प्रश्न पत्र में दिखाऊंगा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने सर्वप्रथम लोहा धातु की खोज की थी। ये 2019 के पेपर में आया हुआ था, जो कि यहाँ पर चारबाग स्टेशन पे हुआ था। तो ये लोहा जो था वो आर्यों की सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? लोहा धातु की खोज की थी। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद एवं सामवेद। साथ ही साथ आपको इसको बात को भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न आता है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्क सूत्र है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? तो वैदिक संस्कृत का ज्ञान जो होता है वो ऋग्वेद के द्वारा होता है। भारत के राजचिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए यहाँ पे पूछा भी जा चुका है और मैंने जैसा कहा था मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न जो था वो बरेली के पेपर में पूछा गया था, बरेली यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। हमारे एक दोस्त ने दिया था तो उन्होंने ये बताया था कि बरेली में ये पूछा गया था कि मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है। मनुस्मृति की रचना कौन कौन है? तो मनु है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गौधन जो था वो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? 18 पुराण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? तो प्रकृति की उपासना है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र देव के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। साथ ही साथ अस्तो मास अधिगमय कहाँ से लिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। तो अस्तो मास अधिगमय ऋग्वेद से लिया गया है। इसी प्रकार हमारा वैदिक काल भी समाप्त होता है। इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये जो है ये ऑफिशियल बुक है बीएलएड की। अगला प्रश्न जो हमारा आता है वो आता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो विहद्रथ था।
बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का जो संबंध था वो हर्यक वंश से था। हर्यक वंश के किस शासक को कुडिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के आजाद शत्रु को शासक को कुडिक कहा जाता है। ये हर्यक वंश के शासक थे, आपको पता भी होगा। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने गंगा व सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। सिकंदर महान का मृत्यु कब कहाँ हुई थी? तो सिकंदर जो महान मृत्यु हुई थी वो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन यानी इराक में हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी में किया था। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न मुझे और याद आ गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस प्रकार से पूछा गया। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ये भी पूछा जा चुका है। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मुझे याद आते चले जाएंगे मैं आपको बताता चलूंगा। सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर का मुख्य युद्ध जो है वो हाइडेस्पीज झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं गाइस कि वीडियो के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2019 प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, मैं आपको वो भी डिस्कशन कराऊंगा। हर वीडियो में 5-5 प्रश्न जो है, जो जैसा भी आता है मैं उसको, जैसे मैथ्स का पेपर आता है तो मैथ्स के वीडियो में, मैथ्स के जो 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं उससे रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा। सिकंदर के युद्ध कहाँ क्या सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? तो यूरोप में, यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला था। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? कि यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला था। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पोरस के साथ हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था। तो जो मैं प्रश्न पूछता हूँ आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो उसमें डेफिनेटली प्रश्न का उत्तर भी दिया कीजिए, इससे मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग एक्टिव हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, ये इंपॉर्टेंट है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी बनी थी? तो गिरिधर जो थी, राजगृह जिसे कहते हैं, मगध की पहली राजधानी बनी थी, ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा नहीं गया है। अगला प्रश्न हम अपना अगर देखें इसी प्रकार से, तो अगला प्रश्न है कि किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयन ने बनाया था। ये बरेली के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2017 के पेपर में। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ये मैं बता दूं कि ये वही प्रश्न है जो जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, प्लस इसमें कुछ एडिशनल प्रश्न भी जो कि बीलेट की ऑफिशियल जो बुक निकला है उसमें ऐड किए गए हैं। साथ ही साथ में 16 महाजनपदों की सूची किस में है? तो अंगुत्तर निकाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। 16 महाजनपदों की सूची किस में है? अंगुत्तर निकाय में है। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था। ये किस किस वंश का था? मगध वंश का था। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? तो वो डेरियस था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। 6ठी सदी में भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध था, आप लोगों को पता भी होगा, इम्पोर्टेंट भी है। किस शासक को सोनिया अर्थात नियमित व अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार जो था वो अस्थायी व नियमित सेना रखने वाला पहला शासक कहा जाता है, शासक कहा जाता है। उससे पहले क्या होते थे कि सैनिकों को उधार लिया जाता था, उनसे युद्ध लड़े जाते थे, इसके बाद सैनिक को वापस कर दिया जाता था। जो राजा होते थे, राजा महाराजा, वो अपने सैनिकों को क्या करते थे? दूसरे राजाओं को सहयोग के लिए थे। लेकिन जो बिंबिसार था वो अपने अस्थायी सेना का बंदोबस्त किया था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। किस शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह आजाद शत्रु था, इंपॉर्टेंट है। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। महाजनपदों का उदय कब हुआ? ये सब प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, मैं आपको बताता चलूंगा।
अंधेरे में नहीं रखना है, बिल्कुल जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको कंठस्थ एकदम क्लियर क्लियर एंड कटआउट बताऊंगा कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, साथ ही साथ में आपको डिस्कशन कराता चलूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है, वो भगवती सूत्र है। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता है, तो महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था, तो हेरोडोटस था। ये इंपॉर्टेंट 2019 के पेपर में जो पचार बाग में हुआ था वहाँ पे पूछा गया था, तो ये पूछा गया था कि सिकंदर के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार, देखिए यहाँ पे दो सेंटर हैं, एक रजत पीजी कॉलेज में आता है, दूसरा जो है चारबाग स्टेशन पे। तो कई कई बार क्या होता है कि पेपर जो है अलग बनाया जाता है और बरेली यूनिवर्सिटी में किया जाता है, साथ ही साथ में DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, ये तीन चार जगहों पे BEd की मानता प्राप्त है। तो मैं बता दूँ साथ ही साथ, इसके साथ ही मैं एक डाउट और क्लियर करना चाहूँगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पेपर में हिंदी से बिल्कुल भी कोई भी प्रश्न नहीं आता है, तो आप इस प्रकार का भ्रम मत पालिएगा, ना ही हिंदी के लिए स्पेशल कोई तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जो BEd की बुक बनाई गई है उसमें हिंदी भी दिया गया है, तो इसलिए स्टूडेंट क्या होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हिंदी आती है कि नहीं। सिलेबस क्या है, सिलेबस भी मैं आपको डिस्कशन करा दूंगा इसके बाद, सिलेबस किस प्रकार से स्पेशली उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करूंगा। अगर कोई स्पेशल बात हुई तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगला हमारा है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, तो आजाद शत्रु ने किया था। आजाद शत्रु का उपनाम क्या था, तो कुड़िक था। आजाद शत्रु किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आजाद शत्रु की हत्या किसने की थी, उदयन ने की थी, इसका पुत्र था। देख लीजिए अभी जो पूछा गया, इसने अपने आजाद शत्रु ने अपने पिता को मारा था और जबकि इसके पुत्र उदयन ने इसको मृत्यु कर दी थी, इसको मार डाला था। और अजात शत्रु गद्दी कब पर बैठा, अजात शत्रु जो गद्दी पर बैठा था वो कब बैठा था, 492 ईसा पूर्व में बैठा था। घनानंद के बाद शासक किसने प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि कौन से प्रश्न थे जो पूछे गए थे 2019 के पेपर में, तो एक प्रश्न पूछा गया था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस कौन है, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे गए थे। और भी अगर मुझे प्रश्न आते हैं तो मैं आपको साथ साथ में डिस्कशन कराता चलूँगा। तो जो जो भी प्रश्न मैंने बताए हैं उसको आपको ध्यान से देखना है, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।